आप मुझे मेडिसिन खिला दे अपने हाथ से, पता नहीं फिर दोबारा कभी आपके हाथ से खाने का मौका मिले या ना मिले। अंदाजन अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आएगा इसके ट्रीटमेंट में? देखें, ट्रीटमेंट तो महंगा है, 8 से 10 लाख रुपए लग जाएंगे। ये पैसे कहाँ से आए आप लोगों के पास? मम्मी, मेरी फ्रेंड रमशा, उसके पापा बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका बहुत बड़ा क्लिनिक भी है, आप उनके पास चली जाएं। बेटा, ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? अनमोल चाची ने दिए हैं ना ये पैसे? क्यों अपनी माँ को सदमा दे रहे हो? मेरे आखिरी सफर को इतना मुश्किल मत बनाओ। मैं मर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे पापा के पास आज पैसे नहीं है ना? अगर बेटा, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप और लोगों से पैसे मांगते फिरो। पैसे कहां से है तुम लोगों के पास? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, पैसे कहां से है तुम लोगों के पास? पापा, हमने अपने कुल्हड़ तोड़ दिए। I'm so sorry बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे फरियाद, आओ ना बैठो। कैसी तबीयत है? आपकी परेशानियां मुझसे देखी नहीं जाती। ये डॉक्टर लगारी का कार्ड है, मेरी कजन ने दिया है, ये कैंसर के बेस्ट डॉक्टर हैं। आप जाकर इनसे मिल लीजिए। अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा ये जान के कि तुम अपनी बीमारी और इलाज को लेकर सीरियस हो। शुक्र है तुमने हिम्मत दिखाई फरियाल। फरियाल, उम्मीद ही जिंदगी का नाम है, और जिंदगी वो है जिसमें उम्मीद होती है। कभी ना उम्मीद मत होना, मैं हूं तुम्हारे साथ। आजान, ये फैसला मैंने अपने लिए नहीं, आपके परेशान होने की वजह से लिया है। मगर क्या मगर? अजान ये कैंसर के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, मगर इनकी फीस बहुत ज्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप इनके पास जाकर डिस्काउंट की बात करें। हम कैसे इतनी फीस? हाँ, मैं जाता हूँ उनके पास। मैडम, ये लो, मम्मी का मोबाइल ले आया। हेलो रमशा, तुमने वादा किया था ना, मैंने तुम्हारा सारा होमवर्क कंप्लीट कर दिया है, अब तुम भी अपना वादा पूरा कर दो। मैं ड्राइवर के हाथ कॉपीज भिजवा रही हूँ। बाय। निम्रा, ये इतनी सारी कॉपियाँ किसकी हैं और किससे बात कर रही थी आप? बताओ।
बताओ मुझे। अनमोल चाची, रमशा के पापा बहुत बड़े डॉक्टर हैं ना, तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसका सारा होमवर्क कंप्लीट कर दूंगी, वो अपने पापा से कह के मम्मी का फ्री में इलाज करवा दे। अरे अनमोल, सब खैरियत है ना भाई? नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। आपने और भाभी ने जो खुददारी की चादर ओढ़ रखी है, आप लोगों को अंदाजा भी है बच्चों पर उसका क्या असर हो रहा है। इतनी बार मैंने आप लोगों को समझाया, इतनी बार मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास जो कुछ भी है वो आप सबका है, मैं तो बस अमीन हूं। लेकिन नहीं, आप लोगों की अना मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रही है। अनमोल प्लीज मुझे खुल के बताओ, फिर हुआ क्या? छोड़ दें आप, जो हो गया उसे छोड़ दें, अब मैं खुद ही ख्याल रखूंगी। कुछ ऐसा ना हो कि मरने के बाद मैं फरहान को मुंह ही ना दिखा पाऊं। अनमोल भी शामिल बाबा जा रहे को आप ही रन करेंगे ना? अरे नहीं नहीं अनमोल, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, ये प्लीज तुम अपने पास ही रखो। मैं ये फरियाद भाभी को भी दे सकती थी, मगर पता नहीं वो लेंगी कि नहीं, वो तो अपने इलाज का किसी से नहीं कह रही। ये सब मेरे हाथों पर नहीं, मेरे दिल पर बोझ है। अनमोल इसमें तो तुमने सब कुछ मेरे नाम कर दिए, क्या हिमाकत है ये, तुम पागल तो नहीं हो गई? अजान भाई, ये सब कुछ फरहान का है, और उन्होंने ये सब कुछ उनके अपनों के लिए बनाया था। अच्छा, और तुम क्या? क्या तुम हमारी अपनी नहीं हो? मैं अपनी हूँ, इसीलिए मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, ये सब नहीं चाहिए मुझे। मेरे नाम पर जो कुछ भी था, इस स्टैंप पर लिखकर मैंने आपके नाम कर दिया है। ना जाने मैंने ये फैसला लेने में इतनी देर क्यों कर दी, और टुकड़ों में आप लोगों को पैसे देती रही। वो सब कुछ जो आपका फरियाद भाभी का है, आपका हक है। तुमने इस घर को और इस घर वालों को कभी अपना नहीं समझा अनमोल, कभी नहीं अपनाया। अंदाजा है तुम्हें कि फरियाद को कितना दुख होगा, वो नहीं चाहती कि फरहान की जायदाद में से एक रुपया भी उसके इलाज पे खर्च हो। उसकी खुददारी मार देगी उसे। तो आप क्या चाहते हैं, मैं ये बोझ लेकर मर जाऊं? मुझसे ये नहीं होगा, ये सब आपको संभालना होगा, प्लीज ये आप रख लें। दौलत पे, इस जायदाद पे सिर्फ शामिल का हक है, उसका नसीब है ये। और जब किसी और का नसीब हलक से नीचे उतरता है ना अनमोल, तो तरियाक नहीं बल्कि जहर साबित होता है। फरियाद तुम ही कुछ समझाओ इसे, क्या हरकतें करती फिर ये? समझाओ इसे कि इस जायदाद की अमानतदार है ये, जिस पे ना तुम्हारा हक है ना ही मेरा। अगर हक है ना अनमोल, तो सिर्फ फरहान के बेटे का और किसी का नहीं। और एक बात और, मेरे बाजू अभी सलामत हैं, और इतनी ताकत है मुझ में कि मैं अपने जोरे बाजू पे अपनी बीवी और बच्चों की किफालत कर सकूं। हमें इन कागज के टुकड़ों की जरूरत नहीं है अनमोल,
हम सबको सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और हम सब यही चाहते हैं कि तुम इस जायदाद की हिफाजत करो। आजान का कहना ठीक है, हमें तुम्हारी मोहब्बत के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ये लो, ये रखो। रहने दे बाजी। बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सब ले जाओ और बाकी नौकरों में बांट दो। कुछ नया लेना हो तो पुराना खाली कर देना चाहिए, ठीक ही तो किया है मैंने। वाओ, ये तो बहुत अच्छा लगेगा। नाइस, बहुत प्यारा लिख रहा है, बस यही लूंगी। वाह यार, तू तो बहुत जचेगी इसमें। कहाँ गायब हो जाती हो तुम बार बार? तुम्हें पता है ना कि तुमने मेरा गेटअप करना है? बीमार दिखने का। आजान ने तो हाथ में आई दौलत को ठोकर मार दी, अनमोल ने थाली में सजा कर दिया था जायदाद का केक। मुझे तो यही लगता है कि इस आदमी क्या तो मेरा नसीब ही खराब है। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे शौहर को सब कुछ मिल जाता तो ऐसा होता कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तुम्हें मालकिन बनना है। और सुनो, तुम्हारी मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है कल 4 बजे की स्किन स्पेशलिस्ट से। वो तुम्हारी स्किन की ऐसी ट्रीटमेंट करेगा कि तुम बीमार क्या ऐसे लगोगी कि मौत तुम्हारे सर पे है। और ये तुम खाना पीना बंद करो। बीमार लगना है तुम्हें, मौका अच्छा है, डाइटिंग करो। बीमार तो लगोगी ही, स्मार्ट भी हो जाओगी। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? ये डाइटिंग वाइटिंग मुझसे नहीं होती, मैं कैसे खाना पीना छोड़ूंगी? अगर मुझे 400 करोड़ मिल रहे होते तो मैं कुछ भी छोड़ देती। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, आई कैन डाई फॉर द मनी। पैसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, डाइटिंग क्या चीज है। तुम तो बहुत सीरियस हो गए हो यार। ऑफ कोर्स, मैं इस पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, सब कुछ बदलना है मुझे ये सब कुछ हासिल करने के लिए। ओके बाय। सुनो, ये सब तो फरियाल भाभी के कपड़े हैं ना? जी जी, उन्हीं के हैं, उन्होंने मुझे दे दिए पहनने के लिए। ये मेरे मेकअप का सामान है, ये अपनी बेटी को दे दीजिएगा। भाभी, भाभी, ये सब आप क्या कर रही हैं? अपना बोझ कम कर रही हूँ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अनमोल, कैसा बोझ और क्या जरूरत नहीं है? भाभी ये सब आपके नए कपड़े हैं। अनमोल, मुझे कपड़ों की नहीं, दुआओं की जरूरत है जिन्हें मैं इकट्ठा कर रही हूँ। भाभी इतनी जल्दी जिंदगी से ना उम्मीद ना हो, टेक्नोलॉजी का दौर है, आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। टेक्नोलॉजी? अनमोल मुझे झूठे दिलासे मत दो, खुद पर सहना और दूसरों को नसीहत करना दोनों में बहुत फर्क होता है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपकी हर बीमारी मुझे लग जाए और आपकी जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख हो। अनमोल, मेरी जितनी भी बाकी जिंदगी रह गई है मैं इसे झूठी आस या झूठी उम्मीद पर नहीं गुजारना चाहती, नहीं गुजारना चाहती। मैं भाभी, भाभी।
अल्लाह के नाम पे, अल्लाह तुझे बहुत दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह तुझे बहुत देगा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। बाबा मेरी बीवी के लिए दुआ करना, वो ठीक नहीं है। अल्लाह उसे शिफा दे और अल्लाह तुझे भी सबर दे। बीमारी में इंसान इस तरह हो जाता है जैसे घुल। मेरी बीवी भी बीमार थी, मैंने उसके इलाज की खातिर अपना गुर्दा बेच दिया, अपना गुर्दा बेच दिया। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। केक काटते हैं, बिकॉज इट्स माई लास्ट बर्थडे, मैं आपको केक तो खिलाऊं। क्या हुआ, किसी ने ताली नहीं बजाई? आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कल ही एडमिट होना होगा। कल? जी कल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं हो जाऊंगा।